वहीं बहराइच में भेड़ियों के आतंक से मुक्ति के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में तेंदुए के खौफ की खबरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से लेकर यूपी के सहारनपुर तक लोगों में तेंदुए का खौफ है। जंगली जानवर जंगलों में ही रहें तो अच्छा है, रिहायशी इलाकों में आ जाएं तो खौफ पैदा कर देते हैं। तस्वीरों में आप जिन पांच तेंदुए को देख रहे हैं, उन्होंने भी कांकेर के लोगों में दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि ये तेंदुओं का झुंड जंगल से दूर गांव के बेहद करीब आ गया है। ये पांच तेंदुए जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो तस्वीर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की है, जहां से सटे डुमाली गांव के पहाड़ में लोगों ने पांच तेंदुए के झुंड को देखा है, जिसने फॉरेस्ट विभाग और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। लोग इसलिए भी खौफ में हैं कि तेंदुए अब रातों को गांव का रुख करने लगे हैं। तेंदुए का खौफ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी है। यहाँ भी लोगों का दावा है कि तेंदुए रात को गांव में घूम रहे हैं। दरअसल शिवपुरी की आदिवासी बस्ती लुधावली यहाँ के माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से सटा है और यहाँ कोई दीवार भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोगों का दावा है कि उन्होंने गांव में तेंदुए को देखा है, जिससे लोग खौफ में हैं। हालांकि लोगों की शिकायत के बाद वन विभाग ने संज्ञान लिया है और दीवारों पर पोस्टर लगाकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। हवाई पट्टी के नज़दीक जो है शहरी क्षेत्र में तेंदुओं को लोगों को द्वारा लगातार देखा जा रहा था, ऐसी सूचना मिल रही थी, तो संचालक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इस प्रकार की घटना हो रही है, उसके संबंध में लोगों को सूचना देकर किस प्रकार से तेंदुए से और तेंदुए को दोनों तरीके से सुरक्षा रखते हुए सावधानियाँ बरती जाएँ, उसके संबंध में जो है पर्चे चिपकाए गए थे। हालांकि गांव के लोग वन विभाग की इस कार्रवाई को नाकाफी बता रहे हैं। और रोजीना परेशान कर रहे हैं। तो वन विभाग ने जो पर्चे चिपकाए हैं, तो इससे आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, जो पर्चों से थोड़ी भग जाएगा वो। अच्छा। पर्चे से भग जाता तो फिर आदमी परेशान क्यों होता है, रोज हवाई पट्टी में आ रहा है, ऐसा कोई सा दिन नहीं है। विभागीय आवक है तो आपके बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे, बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हैं वन विभाग ने? वन विभाग ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया नहीं। यहाँ पे पर्चे वर्चे चिपकाए हैं वन विभाग ने, तो उससे क्या हुआ है? कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं। तेंदुआ यूपी के सहारनपुर में भी दिखा, हालांकि वो जख्मी और लाचार था, लेकिन गाँव में तेंदुए का होना ही लोगों को खौफ और आशंका से भर गया। दरअसल वन विभाग के मुताबिक शिवालिक जंगल से सटे यहाँ के शेरपुर पेलो गांव में एक खेत से गुजरते हुए तेंदुआ बाढ़ में फंस गया। लोगों ने देखा तो दहशत में आ गए, हालांकि बाद में वन विभाग की मदद से उसका रेस्क्यू किया गया। तो तुरंत स्टाफ ने वहां जाकर इसमें मतलब समस्त हम लोगों को पहले सूचना दी और वहां से सारे ही गांव वालों को बाहर साइड हटा के उसकी घेराबंदी की, ताकि कोई जानमान की वहां हानि ना हो और ना ही उस जानवर की कोई हानि हो। उसके बाद हम लोगों ने उच्च अधिकारियों को सूचना देके तुरंत उसकी आगे रेस्क्यू करने की कार्रवाई करी। उसको रेस्क्यू करके उसका तार उसके हाथ में बहुत फ्रंट वाले लेफ्ट पॉ में बहुत बुरे से फंसा हुआ था, तो उसकी तार काट के उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली सहारनपुर डिवीजन और शिवालिक डिवीजन के स्टाफ के साथ मिलकर हमने इसको सक्सेसफुली सभी लोगों ने उसको रेस्क्यू कर लिया है। हाल ही में यूपी के बहराइच में लोगों ने लंबे समय तक भेड़ियों का आतंक झेला है और अब अलग अलग हिस्सों से तेंदुए से खौफ की तस्वीरें आ रही हैं, जो लोगों की चिंता बढ़ा रही है। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव के साथ सहारनपुर से राहुल कुमार, गुड न्यूज टुडे।